तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले मैं काफ़ी दिन से आप लोगों को वीडियो और क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, बीए से रिलेटेड, और हिंदी, इंग्लिश और समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, बहुत सारे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट इतिहास है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है। ये जो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के, यानी पिछले साल का मॉडल पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर का तो है ही, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है लगभग, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में इतिहास सब्जेक्ट तो चलता है, सिलेबस भी सेम रहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डिफर हो सकते हैं, ठीक है। किसी में पूछ लिया जाए कि उसको समझाइए, किसी में लास्ट में लिख दिया जाता है स्रोत बताइए या उसको डिस्क्राइब करिए, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, और लगभग सिलेबस तो वही होते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन जो भी हैं आज की इस वीडियो में, इनका क्वेश्चन बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जिससे आपको एग्ज़ाम में आइडिया लग जाए कि हाँ किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने वाले हैं, आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा, स्कीम भी आ चुकी है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। तो प्राचीन इतिहास, ठीक है, के इतिहास के प्रमुख स्रोत बताने, ठीक है। तो अभी तक मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है, खरीद लिया तो अच्छी बात है, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को गेस आइडिया मिल जाएगी। हाँ, ये पिछले साल पूछा गया था, आई होप इस साल भी पूछ लिया गया तो काम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को उसी सीरीज में मिल जाएगा, अदरवाइज गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। और इसमें खास बात यह है, अथवा करके भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। सिंधु सभ्यता के नगर योजन पर टिप्पणी लिखिए, तो इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, चाहे इसका लिखिएगा चाहे इसका लिखिएगा, अथवा करके दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये डिस्क्राइब करके, यानी कि आप लोगों को रिटर्न एग्जाम होगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, यानी कि टिक करने वाला, ठीक है। तो वो स्टूडेंट चैनल पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो जिनका जिन यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा उनके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म पर लेख लिखिए। तो अशोक के बारे में आप लोगों को लिखना, अशोक के धर्म के बारे में लेख लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कम से कम 2.5 से 3 पेज में लिखना है, क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि कोई 5 नंबर का होगा, कोई 10 नंबर का होगा, तो एग्जामिनर तो आप लोगों को ऐसे नंबर देगा नहीं जब तक आप अच्छे से लिखेंगे नहीं डिस्क्राइब करके, अथवा करके। दूसरा भी ऑप्शन मिल जा रहा है, मगध राज्य के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो मगध के राज्य के उदय के कारण को आप लोगों को स्पष्ट लिखना है, कारण उनको आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, यानी कि 1-2 कारण, 1 था 2 था 3 था, और उसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट लिखना है, स्पष्ट और डिस्क्राइब, स्रोत समझाइए। ये क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज उसी में हो जाते हैं कि स्पष्ट क्या करें, हम समझाएं क्या, तो बस थोड़ा डिस्क्राइब करके उसी के बारे में डिटेल में लिखना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां जो उन्होंने अचीव की हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया है, ठीक है, उस काल में, तो उसी के बारे में आप लोगों को उनकी उपलब्धियां लिखनी है। जैसे उन्होंने कोई अच्छा काम किया, क्या क्या अचीव किया है, प्राप्त किया है, उसी को आप लोगों को डिटेल में लिखना है बस। अथवा करके दूसरा ऑप्शन है, प्रिय मित्र सुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चाहे आप वो करिएगा चाहे ये करिएगा, मैं सजेस्ट करूँगा पिछला ही वाला करिएगा, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऊपर वाला वो करिएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको नॉलेज हो इसके बारे में भी, तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की द्वितीय उपलब्धियाँ, यानी कि दोबारा उन्होंने क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया, उपलब्धियाँ क्या थी उनकी, उसी का लेखा जोखा प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करके डिटेल में आप लोगों को 2.5 से 3 पेज में लिखना है। मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं, तो जितना भी आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि बंदे को, स्टूडेंट को अच्छा नॉलेज है, उसने अच्छा लिखा है, तो मार्क्स भी अच्छे मिलने चाहिए, ठीक है। और अथवा करके ऑप्शन दूसरा है, गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों पर प्रकाश डालिए।
तो गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास यानी कि शुरुआती में उन्होंने क्या इतिहास पर प्रकाश डाला है, इतिहास के लिए क्या किया है, उसी पे आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है। प्रकाश डालना, प्रकाश डालने का मतलब वही कि आप लोगों को डिटेल में लिख देना है, कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर है, राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्वों पर लेख लिखीजिए। तो राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी पे आप लोगों को लेख लिखना है, इसको भी आप लोगों को डिटेल में लिखना ही है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन अथवा करके, चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी। तो चोल प्रशासन की आप लोगों को मुख्य विशेषताएं लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप नंबर वाइज करके अच्छे से लिखिएगा, जिससे आप लोगों को पूरे नंबर मिले। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में सर्च कर लीजिएगा या बुक होगी उसमें सर्च कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आई होप इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस जाएंगे, फिलहाल ना भी आए तो आप लोगों को आइडिया तो लग ही जाएगा हाँ कि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करिए, विशेषताएँ लिखिए। तो आप लोग अलर्ट रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पढ़ाई आप अच्छे से करिए, ठीक है। मैं कोशिश करता रहूँगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि आप तक प्रोवाइड करना ज़रूरी है तो मैं प्रोवाइड करता ही रहता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो फिलहाल क्वेश्चन इतने ही हैं इसमें, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते नहीं हैं, किसी में 6 हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 5 ही रहते हैं, लेकिन 10 के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाले यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 के अंदर ही होते हैं। तो 5 ही क्वेश्चन थे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 6 आ जाएँ, 7 आ जाएँ, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और बस यही सारे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करने थे इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट मॉडल पेपर था, अब सेकेंड इतिहास का वो भी जल्दी आ जाएगा, तो जिन स्टूडेंट को चाहिए कमेंट में बताएंगे हमें। और दोस्तों जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। और दोस्तों मैंने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, sandeepinfo.com लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।